एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक युवक बहुत ही आवेश में पहाड़ी की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि या तो वह किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर वह खुद आत्महत्या करने जा रहा है। बुद्ध ने उस युवक को आवाज लगाई, लेकिन उस युवक ने कुछ नहीं सुना। वह एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया जहां वह पहाड़ी से कूदने ही वाला था। तभी बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। बुद्ध को सामने देखकर वह युवक बोला, आप मुझे न रोके, यह मेरा जीवन है, आपको इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम आत्महत्या करना चाहते हो तो करो, लेकिन पहले थोड़ा रुको, 10 बार गहरी सांस लो और अपनी हथेलियां खोल दो और तब मैं तुम्हें आत्महत्या करने दूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। वह युवक बोला, आप मुझे व्यर्थ ही परेशान कर रहे हैं, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, आप मेरी परेशानियां न बढ़ाए। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं 10 बार गहरी सांस लेता हूँ, अपनी हथेलियां खोल देता हूँ, उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकेंगे। उस युवक ने आंखें बंद करके 10 बार गहरी सांस ली, अपनी हथेलियां उसने खोल दी और उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली। तब बुद्ध ने कहा, जाओ और पहाड़ी से कूद जाओ। वह युवक तेजी से पहाड़ी की तरफ गया और कूदने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वो रुका और उसने नीचे देखा। वह 2-3 कदम पीछे हट गया। वह युवक बुद्ध की तरफ घुमा और उनकी तरफ देखते हुए बोला, महात्मा आप कौन है? आपसे तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा, यह मेरे साथ क्या हुआ? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ क्षण पहले अगर आप मुझे नहीं रोकते तो मैं इस पहाड़ी से कूद ही जाता, लेकिन अब मैं इस पहाड़ी से कूदने में असमर्थ हूँ, खूब भय उत्पन्न हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहली बार कूदने वाले थे तब तुम्हारे भीतर क्रोध था, क्रोध मनुष्य की बुद्धि का नाश कर देता है और वह सोचने समझने की क्षमता खो देता है, वह केवल वही करना चाहता है जो उसका मन कहता है। तुम्हारे अंदर क्रोध था और तुम्हारा मन आत्महत्या के लिए तैयार था, इसी कारण तुम पहाड़ी से कूदने के लिए तैयार थे, लेकिन जब तुमने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अपनी हथेलियां खोल दी तब तुम्हारे क्रोध की नकारात्मक ऊर्जा एक सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जिसके कारण तुम्हारे बुद्धि को नियंत्रित प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। वह युवक बोला, आप कौन है महात्मा? आपने परिचय नहीं दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जगत मुझे बुद्ध कहता है। वह युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, आप मुझे अपने शरण में ले लें, मैं तो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा, आत्महत्या करके कोई किसी को सबक नहीं सिखा सकता। इस शरीर के साथ हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यह शरीर नहीं रहेगा तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। युवक बोला, आप सही कहते हैं, लेकिन मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया है। आप नहीं जानते बुद्ध, वो मुझे बात बात पर टोकते हैं। बचपन में वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया और वहाँ मैंने शिक्षा प्राप्त की। मैं हमेशा सोचता था कि मैं अहम शिक्षा प्राप्त करके अपने पिता का मान बढ़ाऊंगा और वो भी मुझसे बहुत खुश होंगे, लेकिन शिक्षा खत्म करके जब मैं वापस घर आया तब मैंने अपने पिता से कहा कि मैंने सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद पूरी कर ली है और अब मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तब वह खुश होने की जगह कहने लगे, अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानने का भ्रम मत पालो। मैं अपने पिता को दिखाना चाहता था कि मैंने कितना ज्ञान अध्ययन किया है। मैं बड़े बड़े शास्त्रज्ञ में जाने लगा जहाँ सभी लोग मेरे ज्ञान से बहुत प्रभावित होने लगे। सभी ने मुझे महान ज्ञाता माना, लेकिन मेरे पिता ने मुझे ज्ञानी नहीं माना। वो मेरे शास्त्रा के बीच पहुंच जाते और मेरे दिए गए जवाब में कुछ न कुछ कमियां निकालते रहते और सभी के सामने मुझे अपमानित करते। मेरे साथ रहने वाले मित्रों को भी वो अपमानित किया करते। वो कहते थे कि वो सब मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वो सभी मित्र मेरी सहायता करते थे और मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। तब मेरे मित्रों ने मुझे बताया कि वो मेरे ज्ञान से हिंसा करते हैं, वो मेरे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, इसी कारण वो मुझसे हिंसा करने लगे हैं। एक दिन मेरे परेशानियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे मदिरापान कराया। मेरे पिता मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे मित्र के घर आ गए और जब उन्होंने देखा कि मैंने मदिरापान किया है तो उन्होंने मेरे मित्रों के सामने ही मुझ पे हाथ उठा दिया। और तब मैंने फैसला किया कि मैं मेरे पिता को सबक सिखाऊंगा, और एक पिता के लिए अपने जवान पुत्र की अर्थी को उठाने से ज्यादा बड़ा सबक क्या होगा। तब वह सोच पाएंगे कि उन्होंने क्या गलती की है। इसी कारण मैं यहाँ आत्महत्या करने आया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने से न रोक सके तब तुम कैसे ज्ञानी हो? वो युवक बोला, आप सही कह रहे हैं, अब मैं अपने आप को अज्ञानी समझने लगा हूँ। आप मुझे अपनी शरण में ले लें, आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ बुद्ध। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे साथ 4 दिनों तक रहो, उसके बाद अपने पिता के घर जाना। अपने पिता के घर तुम मध्यरात्रि के बाद जाना और चुपचाप घर में प्रवेश करना, तब तुम्हें वहाँ जीवन का पहला ज्ञान प्राप्त होगा।
उसके बाद वापस आकर मुझसे मिलना। वह युवक बुद्ध के साथ 4 दिनों तक रहा। उसके बाद वो बुद्ध से आशीर्वाद लेकर अपने पिता के घर चल दिया। मध्यरात्रि होने पर उसने अपने पिता के घर में प्रवेश किया और उसने देखा कि उसकी माता बिस्तर पर है और वो बहुत बीमार है। उसकी पिता उसकी माता के पास बैठे हैं। उसकी माता उसके पिता से कह रही है कि तुम्हारी वजह से मेरा पुत्र मुझसे दूर चला गया। अगर तुमने उस पर इतनी शक्ति न की होती तो वो अभी भी मेरे पास होता। उस युवक ने देखा कि उसके पिता, जिनके आंखों में उसने आज तक एक आंसू भी नहीं देखा था, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। उस युवक के पिता ने कहा, मैं अपने पुत्र को कभी दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन वो बहुत ज्ञानी था और मुझे डर था कि उसका वह ज्ञान उसके अंदर अहंकार न पैदा कर दे। अहंकार के कारण मनुष्य अपने पद से भटक जाता है। इसी कारण जब सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे, तब मैं वहां पहुंचकर उन व्यक्तियों को ढूंढना चाहता था जो उसके गलतियों को उसे बताए, लेकिन वहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके गलतियों को उसे बताता। तब मैंने निश्चय किया कि मैं उसके गलतियों के बारे में उसे बताऊंगा, लेकिन वह अपने मित्रों के कारण मेरे बातों को अनसुना करता रहा। वह अपने मित्रों की सुनता रहा और एक दिन जब उसने मदिरा पान किया, तब मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची और तब मैंने सोचा कि शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई है। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र को कहीं से भी खोज कर लाऊंगा। जितना प्रेम तुम अपने पुत्र से करती हो, उससे कहीं ज्यादा प्रेम मैं भी अपने पुत्र से करता हूँ। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वह नहीं मिला। माता ने कहा, मेरा मन कहता है कि वो यहाँ से कुछ दूर एक गांव में भगवान बुद्ध रुके हैं। वह अवश्य ही वहाँ होगा, तुम जाकर देखो। वो युवक यह सब सुन रहा था, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चुपचाप घर से निकल गया और बुद्ध के पास वापस पहुंचा। युवक ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, अगर आपने उस दिन मुझे आत्महत्या करने से न बचाया होता, तब मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने युवक से कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ा अज्ञान आत्महत्या करना है। यह जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, यह तुम्हें दिया गया है, और जो तुम्हें दिया गया है उसे तुम्हें खुद नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। कल सुबह तुम्हारे पिता यहाँ आएंगे, तब तुम उनके साथ वापस जाना और उनके ऋण को उतारना। वो युवक बोला, हे बुद्ध, मेरा सारा ज्ञान मुझे व्यर्थ ही लगता है। आप सत्यता का उजागर करते हैं, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे अपने साथ शामिल कर ले बुद्ध। बुद्ध ने कहा, सुबह जब तुम्हारे पिता आएंगे, तब तुम अपने पिता से बातचीत करना और उनसे आज्ञा लेना, और तब अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की जरूरत है, तब तो मेरे दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले हैं। उस युवक के पिता गांव में आए जहां पर बुद्ध रह रहे थे। वह उस स्थान पर पहुंचे। युवक अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने पिता से पूछा, मैं बुद्ध के पास रहकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया मुझे आज्ञा दें। पिता ने अपने पुत्र को ज्ञान प्राप्ति की आज्ञा दे दी और वह युवक बुद्ध का शिष्य बन गया। तो दोस्तों, आपको भगवान बुद्ध की यह कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस कहानी से कुछ प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने सभी प्रियजनों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।